तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेरे दोस्त विकास के पास में, और उस गांव का नाम है खल्लारी। और मैं और मेरे दोस्त शीतल यादव दोनों जा रहे हैं, और हम बहुत दिनों बाद यहाँ मेरा दोस्त आया है, और ये खल्लारी से हैं। फाइनली गाइस मेरे दोस्त के गांव खल्लारी हम पहुंच गए। हेलो भाई, तो कैसे हो आप लोग? तो भाई अटल भाई मेरे घर पास पहुंच गए हैं और मैं अभी रेडी हो गया हूं, और अभी हम तीनों दोस्त हैं जो निकल रहे हैं मंजिनगढ़ के लिए। तो चलिए भाई लेकर चलते हैं हमको, अब आप सब लोगों को मंजिनगढ़ की ओर। तो चलिए तो भाई चलते हैं मंजिनगढ़ की ओर। देखिए हमारा गाँव का जो है मार्केट है, काफ़ी छोटा मार्केट है होता है रहने के, लेकिन काफ़ी सुंदर होता है। ये पूरा मैदान है, यहीं मेला वगैरह जो भी है यहीं होता है, और देख सकते हैं मार्केट है अपना छोटा सा मार्केट। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो भाई हम मंजिनगढ़ जाने के लिए अपने को सीधा यहाँ से निकलना पड़ेगा, अटल चौक है, यहाँ से नौ मूर्ति सीधा स्टेट की ओर, इधर पंचायत पड़ रहा है अपना, पंचायत सीधा सीधा आगे आपको सीधा ही चलना इधर स्ट्रेट। रास्ता देख रहे हो गाइस कैसा है अपना रास्ता, खतरनाक ओपी बोलते इसको। तो गाइस देखिए हम लोग मंजिनगढ़ के लिए पहुंच चुके हैं, हम लोग इधर से जाने वाले हैं। देख सकते हैं रास्ता काफ़ी बड़ा शानदार है और घाट जैसा है, बहुत सारा उतार चढ़ाव मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं ऊपर उस तरफ जंगल, देखिए हम लोग उस जंगल के ऊपर में जाने वाले हैं मंजिनगढ़ में। देखिए भाई जयगढ़ मंजिनगढ़ वाली ग्राम खल्लारी यहीं हम लोग आज जाने वाले हैं। तो भाई ये इको पर्यटन है, यहाँ जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आ जा सकते हो,
तो भाई चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को माजिंगर के। तो ये देख सकते हो गाइस रोड कितना खतरनाक लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा टर्निंग है गाइस इस रोड में। और काफी ऊपर भी लग रहा है गाइस। ये देख सकते हो गाइस काफी जंगलों से घिरा हुआ है और रोड भी बहुत खराब टाइप का है, ऐसे रोड से हमको गुजर के जाना पड़ रहा है गाइस। फाइनली गाइस हम मांझीनगढ़ पहुंचने वाले हैं और यहां से बस कुछ ही दूरी में है मांझीनगढ़। देख सकते हो गाइस यहाँ पर बहुत दिक्कत रहता है गाड़ी को लाने में, बहुत पत्थर पत्थर है। देख सकते हो भाई क्या ही हरा भरा है भाई, सीन देख सकते हो भाई। ओ भाई वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तो कुछ नहीं भाई, अभी चलते हैं और आप लोगों को आगे दिखाते हैं, इधर से बढ़िया बढ़िया सीन है और आगे तरफ। चलिए भाई आप लोगों को लेकर चलता हूँ खाई की ओर, अब जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। इधर गाड़ी तो नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सारा पत्थर वगैरह पड़ा है, तो हम लोग पैदल ही आ रहे हैं। आप लोग दिखाते हैं इधर सीन, आ जाओ भाई। पीछे तरफ देख सकते हो भाई काफी ओपी वाला, क्या ही बताएं भाई, गजब सीन भाई। हेलो गाइस, ये भाई। देख सकते हो गाइस नजारा कितना खूबसूरत नजारा है गाइस, देख सकते हो। देख सकते हो भाई कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ बहुत सारा पानी वानी का गिरने का वो हो रहा है, हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं भाई क्या ये वायु किया है। देख सकते हो भाई मांझीनगढ़ का ताबड़तोड़ नजारा भाई, क्या ही नजारा है भाई। इसी तरफ देख सकते हो आप लोग, जस्ट खाई के पास खड़ा हूँ भाई, डर भी लग रहा है भाई, बहुत नीचे है भाई गहरा, देख सकते हो आप लोग। यहाँ से अगर गिर गए ना तो बचने का चांस शायद ही है, कोई चांस नहीं है भाई तुम बच जाएगा यहाँ से, पर बहुत नीचे है। और शीतल भाई कैसा फील हो रहा है दोस्त? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो। भाई ऐसा जगह है ना जहाँ आओगे ना तो मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, काफी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही सकते हो कितना हरा भरा है। तो अटल भाई कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस,
और मेरे दोस्त थैंक यू मेरे को, मतलब ये नज़ारा और सीन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और दिखाने के लिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ गाइस। और मैं मतलब यहाँ से कम मेरा गांव 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है, और मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके बोला कि चलो मेरे को आज मांझिनगढ़ देखना है, मेरे को ले जाओ घुमाने के लिए बोला गाइस। तो मैं और मेरे दोस्त दोनों हम लोग आए, ये मेरा दोस्त है, इनके साथ हम आए गाइस। और साथ में दोनों आने के बाद में इनके घर में हम लोग मतलब 5-10 मिनट हम लोग कुछ किए, उसके बाद में हम लोग सीधा मांझिनगढ़ के लिए निकल गए गाइस। तो भाई मांझिनगढ़ का नज़ारा ऐसा है कि भाई यहाँ ना काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं। यहाँ बता दूँ भाई, यहाँ तो ना विदेशी लोग भी आ जाते हैं, मतलब बाहर के जो विदेश के लोग हैं ना, टूरिज्म लोग, वो लोग भी आते हैं। और भाई यहाँ आप लोग आकर कैंपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है समिति भी है इनका टूरिज्म वाला, तो भाई उनसे संपर्क कर सकते हो, और उनसे संपर्क करके यहाँ पर आकर आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हो, नाइट कैंपिंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग अब आप लोगों को ना आगे का सीन दिखाते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है, झरना वगैरह है उधर भी, खाई वगैरह है उस पास, देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन वाला झरना है, जो पूरा जंगल का पानी होता है ना उसी झरने से नीचे खाई की ओर गिरता है। तो भाई लेके चलते हैं आप लोगों को झरना की ओर, तो चलिए बनिए रहिए हमारे व्लॉग में। गाइस देख सकते हो पीछे तरफ कितना नज़ारा है खूबसूरत, काफ़ी धूप भी हो गया है, अभी बारिश हो रहा था हल्का हल्का, अभी धूप हो रहा है। आप पीछे तरफ देख सकते हो कितना बड़ा खाई है, उधर गांव है भाई, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। फाइनली गाइस हम लोग जो झरना की ओर पहुँच चुके हैं, देख सकते हो नदी जैसा यहीं से पानी गुजरते हुए सीधा झरना की ओर जाता है। चलिए अगर आपको लेकर चलते हैं झरना की ओर, आना देख के सुबह देख सकते हो गाइस झरना है, और नीचे तरफ देख लीजिए कितना खाई है, अभी हम लोग सारा भाई वहाँ उतरेगा, देखते रहना तुम्हारे लिए भाई। देखिए आप लोगों को झरना दिखाने के लिए मैं नीचे उतर रहा हूँ, देख सकते हो काफ़ी नीचे गहरा है, और तेरा आपका भाई देखना भाई, आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए चल देख के चलता हूँ आप लोगों, आ जाओ भाई मेरे पीछे, आ जाओ चलो आ जाओ, काफ़ी रिस्क भरा है भाई, जो कि पूरा सीढ़िया तो भाई देख सकते हैं मैं अभी नीचे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ से अभी जस्ट नीचे उतरा हूँ, काफ़ी रिस्क भरा है भाई, भारी जोखिम वाला काम है, ऐसे भी ना पानी गिरा है तो पत्थर पूरा काई वगैरह रचा है, देख सकते हैं पूरा गीला ही गीला है पत्थर, तो जान में भी दिक्कत हो जाता है नीचे, कहीं पैर फिसलने का डर रहता है, बट आप लोगों के लिए भाई कुछ भी कर सकता है आपका भाई। तो बने रहिए भाई व्लॉग में, दिखाता हूँ आप यहाँ भाई, अगर ना देख सकते हो भाई कितना दिक्कत भरा काम है, बहुत ही जोखिम भरा है, यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। अगर आप लोग छोटे जी वाले तो भाई कृपया अनुरोध है कि वो लोग ना आए, देख कर ही डर जाओगे।
चलिए भाई, काफ़ी कैंपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार टाइप का। अब मैं भी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को भी डर हो जैसे लग रहा है भाई, बट कुछ ना सब चल जाएगा। एक हाथ में कैमरा पकड़ रखूँ तो भाई दिक्कत और ज़्यादा हो रहा है। देखिए भाई कितना सकरा रास्ता है, अगर हल्का से भी गलती हो गया ना तो सीधा नीचे की तरफ देख सकते हो, इतना नीचे गिर जाओगे आप लोग। तो भाई कभी बात हो ना, टेक केयर। अगर आपका तबीयत वगैरह ख़राब है तो कृपया इस तरफ ना आए, वहीं से ही दूर चले जाएं, ठीक है। देख सकते हो गाइस, आप ही शानदार सीन भाई, काई गजब वाला देख सकते हो सीन। देख कर चलो। तो भाई देख सकते हो यार ऊपर का नज़ारा का ही गजब भाई। हम लोग जस्ट ऊपर थे, ऊपर से जस्ट नीचे की ओर अभी आए हैं। इधर से ऐसे घूम कर आना पड़ता है, इधर से तो नहीं जा सकते, तो हम लोग इधर से घूम कर आए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है। ओ भाई क्या बात, नहाने का मन कर रहा है भाई। और ये आप देख सकते हो ये गुफा है। हाँ हाँ ये गुफा है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं पीछे तरफ झरना है, और हम लोग अभी जो झरना के जो नीचे तरफ आए हैं, दिखाओ भाई ऊपर तरफ, ऊपर से जो है पानी गिर रहा है, और ना जो प्रकाश पड़ रहा है भाई जैसे गिर रहा है पानी में, तो देख सकते हैं आप लोग इंद्रधनुष जैसा कुछ बना हुआ है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप लोग कुछ देखा था तुमको समझा हो, मैं तो नहा लूँगा भाई, समझते नहाने का मन कर रहा है। आइए भाई देख सकते हो भाई, देख सकते हो भाई इधर ये जो है ना गुफा है। तो भाई देख सकते हो यार काफ़ी जो है डेंजर है, खतरा है, यहाँ पर पानी का पूरा नीचे तरफ काई रच गया है, और ज़रा सा भी चूक हुआ ना तो सीधा उधर नीचे की ओर आई भाई। देख कर आप संभाल कर भाई यार, और ये झरना है देखिए, काफ़ी सुंदर नज़ारा झरनों का, काफ़ी ठंडक महसूस हो रहा है भाई इस पास। और ये अपना गुफा है इधर अंदर तरफ, देख सकते हो भाई अंदर तरफ पूरी तरफ गुफा है, जिसमें जो माली अपन गांव का देवी देवता यही अंदर तरफ रखते हैं इसको। देख सकते हैं भाई चाड़ू, देखो भाई क्या गजब है भाई यार, गजब भाई। इधर देख सकते हो काफ़ी हरा भरा जंगल है, काफ़ी खतरनाक भी है भाई, ऐसा नहीं अगर हल्का से भी चुप पाओ भाई। काफ़ी डरावना जगह है भाई ये, देखा जाए तो डर भी लग रहा है। देख सकते हो भाई लड़का कितना डरा हुआ है भाई, इतना क्यों डर रहा है भाई, जल्दी आ जाओ। अरे क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टाइम है ना यार, इसीलिए है, तेरी हिम्मत को तो दाग देनी पड़ेगी दोस्त। अरे भाई थारा भाई कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हो भाई काफी गजब इधर व्यू दिखाते हैं। हम लोग गए थे उधर नीचे तरफ, उस तरफ इधर से पूरा खाई है, इधर चढ़ रहा है लड़का। तो गाइस देखिए हम लोग अभी जो झरना से ऊपर चढ़ गए हैं, और झरना जो इधर इस तरफ इधर से हम लोग ऊपर आ गए हैं। झरना का पानी है जो भाई इधर से नदी जो है नाला टाइप का है, वैसे नदी तो नहीं है, नाला जैसा है, उस उधर से ना पानी इधर आता है। मैं काफ़ी थक गया हूँ भाई चढ़ते चढ़ते, खूब
इधर से देख सकते हैं, उधर से जो पानी आता है और इस तरफ से होते हुए पूरा झरना नीचे की ओर चला जाता है। जहाँ अभी हम लोग गए थे आप लोग दिखाए भी हैं, तो वहीं ऊपर से जैसे चढ़ा भाई बहुत थक लग गया भाई। अब यहाँ से थोड़ा आराम करते हैं, फिर घर के लिए रवाना होंगे भाई। तो गाइस हम मांझनगढ़ से उतर के हम यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं गाइस, और आप लोग को आसपास का नज़ारा दिखाएंगे। तो भाई आप आसपास का नज़ारे से परिचित करवाओ। तो भाई अभी हम लोग जैसे मांझनगढ़ से उतरे थे तो यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे थे, बहुत थक भी लग रहा है यार। तो भाई अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, होना जस्ट उतरती है, इधर देख सकते हैं इधर पीछे तरफ, इधर पूरा गांव का ही सीन है। इस पास से भी काफ़ी सुंदर नज़ारा आता है, आप देख सकते हैं। इधर से हम लोग जस्ट अभी उतरे हैं, ऊपर से होते हुए हम लोग को इधर अभी जाना है। ठीक, तो अभी यहाँ जिस पास बैठे हैं ना, उस पास भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं उधर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर गांव है। और वो जो है वो खल्लारी गांव है, उधर भी काफ़ी सुंदर गांव है। और भाई हम लोग जस्ट अभी यहीं पर रुके थे, भाई लोग अभी जाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लेट हो जाएगा भाई घर जाने में, तो भाई लोग भी जाएंगे जाएंगे बोल रहे थे। तो भाई हम लोग चलते हैं, और ऐसी हमारे वीडियो जो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं गाइस, और इतना जोखिम भरा रास्ता था आप तो खुद वीडियो में देखे ही होंगे, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो बनते ही है। शेयर भाई जितना हो सकना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी भाई हमारे वीडियो को देख सके,